पुनर्जन्म हमेशा से ही चर्चा का विषय रहा है। आए दिन पुनर्जन्म से जुड़ी खबरें भी हम सभी को सुनने को मिल जाती हैं। आपके मन में ये सवाल तो अवश्य उठता होगा कि क्या वास्तव में मनुष्यों का पुनर्जन्म संभव है, और अगर संभव है तो फिर से जन्म लेने वाले लोगों को अपने पूर्व जन्म के बारे में कुछ भी याद क्यों नहीं रहता। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि हमारा धर्म पुनर्जन्म के बारे में क्या कहता है। नमस्कार श्रोताओं, द डिवाइन टेल्स पर आप सभी का स्वागत है। हिंदू धर्म पुनर्जन्म में विश्वास रखता है, जिसके अनुसार आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्रों से गुजरती हुई पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। हमारे वेद और पुराणों में भी पुनर्जन्म का व्यापक उल्लेख मिलता है। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, अर्जुन मेरा और तुम्हारा इससे पहले भी जन्म हो चुका है, फर्क सिर्फ इतना है कि तुम्हें अपने पूर्व जन्मों के बारे में कुछ भी याद नहीं, जबकि मैं अपने सभी जन्मों के बारे में जानता हूँ। आत्मा कभी नहीं मरती, सिर्फ शरीर की ही मृत्यु होती है। जिस तरह मनुष्य वस्त्रों के पुराने हो जाने पर नए वस्त्र धारण करता है, ठीक उसी प्रकार आत्मा भी पुराने शरीर को छोड़कर नए शरीर को धारण करती है। हिंदू धर्म में पुनर्जन्म से जुड़ी कई कथाओं का विवरण किया गया है। हिंदू धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु सहित सभी देवताओं के अवतारों को भी एक तरह का पुनर्जन्म ही माना गया है। सबसे अधिक पुनर्जन्म से जुड़ी कथाओं का वर्णन हमें महाभारत में पढ़ने को मिलता है। ऐसा माना गया है कि महाभारत के मुख्य पात्र भीष्म पूर्व जन्म में एक वसु थे। ऋषि वशिष्ठ के श्राप के कारण उन्हें द्वापर युग में गंगा के पुत्र के रूप में जन्म लेना पड़ा। हस्तिनापुर नरेश धृतराष्ट्र का भी पुनर्जन्म हुआ था। अपने पूर्व जन्म में धृतराष्ट्र एक अत्याचारी राजा हुआ करते थे। उन्होंने एक हंस की आंखें फुड़वा डाली, साथ ही हंस के 100 मित्रों को भी मरवा डाला था। इसीलिए धृतराष्ट्र अंधे पैदा हुए और उनके 100 पुत्र महाभारत युद्ध में मारे गए। इतना ही नहीं, द्रौपदी का भी पुनर्जन्म हुआ था। इससे पहले जन्म में द्रौपदी गुरु मौग्धल्य की पत्नी थी, जिसका नाम इंद्रसेना था। कम उम्र में ही इंद्रसेना के पति का निधन हो गया। इसके बाद इंद्रसेना अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव की तपस्या करने लगी, और जब शिव जी उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए तो वरदान मांगने के बजाय वो उन पर मोहित हो गई, और उसने वरदान में 5 बार पति पति बोल दिया। इसी कारण द्रौपदी का विवाह 5 पांडवों के साथ हुआ था। इसके अलावा कृष्ण की बुआ के पुत्र शिशुपाल का भी पुनर्जन्म हुआ था। शिशुपाल ही पिछले जन्म में रावण था, और उससे पहले के जन्म में हिरण्यकश्यप के नाम से पैदा हुआ था। दरअसल शिशुपाल इन जन्मों से पहले भगवान विष्णु का सेवक हुआ करता था, जिसे श्राप मिला था कि उसे 4 बार मनुष्य के रूप में जन्म लेना पड़ेगा, और हर बार उसका वध भगवान विष्णु ही करेंगे। इसके अलावा भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन का भी ये पुनर्जन्म था। दोनों अपने पूर्व जन्म में नर और नारायण के नाम से पैदा हुए थे। उस जन्म में दोनों ने मिलकर सहस्त्र कवच नाम के असुर को युद्ध में हराया था, और यही सहस्त्र कवच फिर से द्वापर युग में कर्ण के रूप में पैदा हुआ और श्री कृष्ण और अर्जुन के हाथों महाभारत युद्ध में मारा गया। श्रोताओं, ये कहानी हमने आपको एक दूसरी वीडियो में बताई है। आई बटन पर क्लिक कर उस वीडियो को देख सकते हैं। अपने धर्म ग्रंथों पर विश्वास करें तो हमें इस बात पर भी विश्वास करना होगा कि पुनर्जन्म सत्य है और आत्मा कभी नहीं मरती, केवल एक शरीर से दूसरे शरीर में स्थानांतरित होती है। उम्मीद है आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके अपने सुझाव हमें बताएं। सब्सक्राइब करें द डिवाइन टेल्स यूट्यूब चैनल ऐसी ही और आध्यात्मिक वीडियोस के लिए। अब हमें इजाजत दीजिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।